नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आइटन, देखो आइटन मैंने 695 चला ली है 4 दिन के अंदर। तो देखो ये सीएनजी मैंने परचेज ही करी ताकि मेरी रनिंग ज़्यादा है। अब दिक्कत है कि सीएनजी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इशू है जो डेफिनेटली आप समझो, एक्चुअली ये मैनेजमेंट का इशू है कि क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो कोई निगेटिव नहीं बोल रहा मैं बोल रहा ये फीचर्स को थोड़ा सा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था कि ताकि यूज़र को इसका लाइक फील मिल सके, फील मैंने कहा तो यूजर के काम में आ सके, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट आप जब आप ड्राइव करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा मैटर कर जाता है ये चीजें। आप जब गाड़ी यूज कर रहे हो तो आपके लिए मैटर कर जाता है, उसके बिना भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे सीएनजी का बार दिख रहा होगा, ठीक है। मैं सीएनजी डलवाता हूँ, ऑलमोस्ट 600 का इसमें सीएनजी आता है यूपी में, 78 के हिसाब से, 79 के हिसाब से। जैसे ही यहाँ सीएनजी डलवाओ, एक दो तीन चार बार ऐसे गिर जाते हैं, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर ही सारे बार आपको यहां तक आ जाएंगे, हाफ पे आ जाएंगे, हाफ पे, ठीक है। उसके बाद देखो 600 का सीएनजी में 200 ये आराम से चल जाती है, चाहे क्योंकि मैं ट्रैफिक कंडीशन में चलता हूं तब भी 200 180 200 के बीच आराम से चल जाती है, ठीक है, फुल एसी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 200 किलोमीटर ये आराम से ही जाएगी, ऐसा नहीं कि सीएनजी का बार खत्म हो रहा है तो सीएनजी भी खत्म हो रहा है, लेकिन इसका मैनेजमेंट इतना गंदा है। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4, आप सोच रहे हो कि 4 है कम से कम तो 70-80 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, ये पता है मुश्किल से मुश्किल 20 किलोमीटर जाएगा ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसका जो मैनेजमेंट है ना ये बहुत ही गंदा है, क्योंकि देखो एक तो माइलेज नहीं दिख रहा आपको, ऑब्वियस बात है पेट्रोल भी है सीएनजी भी है, तो माइलेज के लिए इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कौन सा दिखाए कौन सा ना दिखाए, इसलिए ये फीचर इसमें डालते ही नहीं। बट कम से कम ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज तो करना चाहिए कि मतलब कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। मैंने दो तीन स्टार्टिंग में मैंने लिया, मुझे पता ही नहीं था, तब मैंने नोटिस किया अच्छा ये ऐसा होता है कि मतलब सोचो मैंने ये सीएनजी डलवाया, सीएनजी पंप से मैं निकल ही रहा हूँ, अभी सोचो निकल रहा हूँ उतने में एक पॉइंट नीचे पक। तो ये थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट है जिसको मतलब हुंडई को थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए था कि यूज़र को दिक्कत ना हो इस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग, ओके। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो है ये की। अब इसमें इतनी बड़ी दिक्कत है ना इस की में कि आप इससे, जैसे कि क्या होता है कि अपन दो प्रेस किए दूसरे कार्स में, आप इसको साइलेंटली और अनसाइलेंटली करके लॉक अनलॉक कर सकते हो, बट यहाँ पे लॉक, अब खोलना है दो बार अनलॉक, ये बहुत ही मतलब इरिटेट करता है। कभी कभी आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको नहीं करना है, तो फिर उसके लिए आप चाबी लगा के खोलो। तो ये मतलब इनको सोचना तो चाहिए यार कि कम से कम ऑप्शन तो होना चाहिए, कि मतलब चॉइस होना चाहिए कि यूज़र जो चाहे वैसा कर सके, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ये जस्ट इनकी R&D टीम की एक बेवकूफ़ी कह सकते हो आप। ये इनको करना चाहिए था कि लाइक आपको पता है कि ये सब ये यूजर के एक फीचर के लिए, ऑब्वियसली बात है आपने सारा कुछ दिया है, ठीक है, आपने कीज दिए हैं, आपने सब कुछ दिया है, बट आप इतने पैसे कंपनी भी फूक रही हो, आप कस्टमर भी फूक रहा है, फिर भी उसको ये फीचर नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत मुझे इरिटेटिंग सा फीचर लगा, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब तीसरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये देखो, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये तीसरा फीचर, ये देखो ये भाई साहब, जब भी मैं इसको क्लोज करता हूँ ना, ये आके इस पे अड़ जाती है, इधर से भी आके इस पे अड़ जाती है, मतलब ये बहुत इरिटेटिंग है यार। मतलब ये अगर टूट जाए तो कंपनी वाले ना वो इसका वारंटी देंगे ना गारंटी देंगे, बोलेंगे आपके गलती से टूटा है, ये टूटा है। ऑल दो चलो ठीक है, कम से कम सीएनजी कार में तो ये है कि आप ज़्यादा बूट खोलोगे नहीं क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने इस पे भी मैट नहीं दिया, ठीक है, पता नहीं कॉस्ट कटिंग में चल रही है कि कितनी भाई की, एक मैट दे देते तो क्या होता, अब मुझे ऑनलाइन कहीं मिल नहीं रहा है और बाहर जाने का मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कहीं जाकर डलवाऊँ इसको, एनीवेज वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि देखो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ अगर टूट जाती है तो बाहर से बनेगी नहीं, कंपनी से ही बनेगी, आपको पैसे फूकने होंगे। तो यार कस्टमर के लिए आप मतलब एक फालतू का टेंशन क्रिएट कर रहे हो आप, इसको थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर से थोड़ा सा लॉक बनाते हैं ताकि ये इससे टक्कर ना खाती, तो कंपनी के लिए भी अच्छा होता एंड यूज़र के लिए भी अच्छा होता। उसके बाद यहाँ देखो एक चीज़, यहाँ देखो यहाँ पे ये बना हुआ है एंड यहाँ पे भी ये बना हुआ है लॉक, लाइक इसको लिफ्ट करने का, ठीक है, जो जनरली क्या होता है जब अपन बूट खोलते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर लिफ्ट रहता है, बट इसमें ये चीज़ें हैं ही नहीं। ये चीज़ें हैं कि जब भी आप बूट खोलो तो ये ऑटोमेटिक ऊपर होना चाहिए था। ऑल्दो मैं फिर से बोल रहा हूँ बूट की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि अपन रखते ही नहीं है कुछ इसमें लाइक हैचबैक में सीएनजी, मतलब आप बूट भूल के चलो, लेकिन ये मुझे बहुत डर लगता है इसमें, अगर दूसरा कोई बंदा खोल रहा है तो वो तो प्रॉपरली ऐसे बूट बंद करेगा ना, डायरेक्ट आएगा ऐसे मार के चल जाएगा, एंड उस टाइम क्या होगा, यहाँ देखो ये कैसे हो गया, आपको दिख रहा है ऊपर से, इधर को तो थोड़ा कम दिख रहा है, इधर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ देखो
अब मान लो ये कैलकुलेटर में टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो कंपनी वाले ये बोलेंगे सर ये आपकी गलती से टूटा है, आप दो इसके पैसे, आप दो इसके पैसे, 1000 रुपये लगाओ, 2000 रुपये लगाओ, जो भी होगा इसका। तो यार ये अलग ये टेंशन है, इनको सोचना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो वैसे बहुत ज़्यादा खोलता नहीं मैं, पर फिर भी सोचना चाहिए इनको कंपनी वाले को कि ये सब फीचर हम दे रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक से दे कि ताकि देखो क्योंकि कंपनी के पैसे तो उतने ही लगने हैं, अभी लगने हैं या बाद में, लेकिन यूज़र क्या एक परेशानी का ये बन जाएगा, घर बन जाएगा। ओके तो गाइज मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव पॉइंट है, गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बट फिर भी ये सब चीज़ें हैं जो फीचर अवेलेबल होते हुए यूज़र के लिए एक टेंशन क्रिएट करती है। ठीक है, आईटेन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो ड्रॉप डाउन करें एंड प्लीज़ मुझसे पूछे कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो लेने से पहले डेफिनेटली मैं आंसर कर दूंगा। ओके सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।